देखो ध्यान दो, मैंने मान लिया मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी और देखो लास्ट टर्म एल है ना। तो देखो अगर मान लो एपी में एन टर्म्स हैं, इफ एपी हैज एन टर्म्स है ना, तो जो लास्ट टर्म होगा वही एंथ टर्म होगा और वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना। अगर मान लो एपी में एंथ टर्म है तो देखो जो लास्ट टर्म है एल वही हमारा एंथ टर्म भी होगा और क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना। तो देखो जैसे अब हमें मान लो सम निकालना है, मान लो हमें सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, मान लो हमें एपी में सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, ध्यान है ना, मान लो हमें एपी में सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम एस मान लेंगे, पहला टर्म है ए, फिर है ए प्लस डी, फिर है ए प्लस टू डी और लास्ट में देखो जो लास्ट टर्म है वो क्या है एल, उसका पिछला टर्म होगा एल माइनस डी और उसका भी देखो पिछला टर्म होगा एल माइनस टू डी है ना। अब देखो हम क्या करें, टर्म्स को उल्टा करके लिखते हैं, मतलब देखो जो एल था वो पहले लिख लें है ना, और ये हो गया एल माइनस डी, ये हो गया एल माइनस टू डी एंड सो ऑन। देखो ये हो गया ए प्लस टू डी, ए प्लस डी और ए है ना, टर्म्स को उल्टा करके लिख लिया तो सम तो ऐसे ही रहेगा है ना। अगर हम टर्म्स को उल्टा करके लिख देंगे तो सम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान दो, अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। देखो इससे क्या होगा, ये हो गया टू एस, देखो ये हो गया ए प्लस एल, देखो डी डी कैंसिल हुआ, ए प्लस एल, देखो ये भी ए प्लस एल और करते 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 देखो ये डी डी कैंसिल हुआ तो ए प्लस एल, देखो ये भी ए प्लस एल और देखो ये भी ए प्लस एल है ना। अब देखो क्या हुआ, यहां से ये ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, देखो ये ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, देखो एन बार आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ए प्लस एल है ना, क्योंकि ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल देखो ये एन टर्म्स है ना, तो एन टाइम्स ए प्लस एल हो गया। तो देखो यहां से एस हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, देखो ये एन टर्म का सम का फॉर्मूला, और देखो एल की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पर तो देखो यही सम क्या हो गया एन बाई टू, देखो एल की ये वैल्यू रखो क्या है बोलो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो यहाँ से सम क्या हो गया एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो ये यहाँ से हमें एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला मिल गया था, एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है ना, एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हमें याद रखना है एंथ टर्म का फॉर्मूला ये और एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये, या ये दोनों ही चलते हैं है ना, दोनों ही हमें यहाँ पर याद रखते हैं, इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।